सुरसन के वीडियो यूसुफ सलीम और सीईओ संजय कुमार के साथ सैयद अबूदोजाना साथ मिलकर अपने क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए राहत राशि 6,000 और मरने वाले परिवारों को 4,00,000 मुआवजा दिलवाया। सुरसन में नगर पंचायत का जो निचला क्षेत्र है, जो निचले वार्ड हैं, उनमें भी पानी घुसा है, तो 6-7 जगहों पर लगातार चल रहा है यहाँ पे कैंप और लोगों को भोजन दिया जा रहा है। जिला के वरीय पदाधिकारियों के आदेश के आलोक में MDM के द्वारा पहले दिया जा रहा था, और ये अगर MDM में चावल खत्म हो जाता है तो हम लोग आपूर्ति विभाग से उसको पूरा करते हैं। देखिए सिविल में भी कमी आ रही है, कहीं कहीं कम्युनिटी जो किचन है उसमें कुछ इलाके में नहीं शुरू हुआ है, उसके लिए क्या इंतजाम है? अब ये है कि कहीं कहीं पे जहाँ पहले शुरू हुआ है वहाँ पे पानी कम रहा है, तो उन क्षेत्रों में कम्युनिटी सेंटर बंद हो रहा है, और जहाँ पे बढ़ रहा है, क्योंकि इलाका काफ़ी बड़ा है, जिन क्षेत्रों में बढ़ रहा है वहाँ पे दिक्कत आ रही है, वहाँ पे शुरू कर। तो यहाँ के इलाके जो बाढ़ पीड़ित के लोग हैं उनके लिए राहत के लिए क्या क्या चल रहा है, कोई सूची बनी है? सूची बन रहा है, सूची बनने का निर्देश दिया गया है। अपने क्षेत्र के कार्यकर्ता और अधिकारी के साथ मिलकर बैठक की, जिसमें पुल पुलिया सड़क को जल्द से जल्द बनाने का निर्देश दिया। जहाँ तक काम हो रहा है अपने स्तर से, जब कुछ स्टेट से जो भी सरकार है, सरकार आपका मंत्री हो या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, इन लोगों का जो था नींद टूटी नहीं, जो कल हम लोगों ने हंगामा किया, परसों हंगामा किया, तो सेकंड हाफ में हाउस में इनकी नींद टूटी और मुख्यमंत्री जी ने इस पर कुछ एक्शन लिया है। अब देखिए इस एक्शन में कहाँ तक कामयाबी मिलती है, जैसे जैसा 6,000 रुपया का अभी उन्होंने अनाउंस किया है, 6,000 रुपये उसको सर्वे करा के हमारे जो ऑफिसर जो प्रखंड के सर्वे कराएंगे, वो सर्वे करा के उनके अकाउंट्स में पे। ये तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र शुरू से रहा है, अब बाढ़ कोई पहली बार नहीं आई, हमेशा हर साल आती है, तो सरकार की तरफ से ऐसा क्यों नहीं पहले से प्री प्लानिंग होता कि इसको बचाव के लिए, या जो कहीं जो व्यवस्था किया? सरकार अवेयर नहीं, उनके जो मंत्री है या मुख्यमंत्री को अवेयर होना चाहिए कि ये हैबिचुअल है हमारे यहाँ, एवरी ईयर्स जिसको कहते हैं हम लोग की आदतन, ये बाढ़ भी हमारे यहाँ हैबिचुअल आदतन है कि बाढ़ आना ही है। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी को प्रिकॉशन लेना था, अवेयर होना चाहिए था, जैसे ही मॉनसून शुरू होता है उसी बहुत सारी चीज़ के लिए करा, जब बाढ़ आ जाता है डूब जाता है तो वहाँ से हुक्म जारी होता है, तब प्रशासन बेचारा है, उनके पास वो सामान सामग्री मुहैया नहीं, लाओ वहाँ से लाओ यहाँ से लाओ, कैसे कैसे यूज करके मैनेज करके वो प्रखंड को बचाते हैं। हम भी देख रहे हैं रात में 12 बजे इस बाढ़ में, चाहे DM हो चाहे वीडियो साहब हो चाहे CEO साहब, तो 11 बजे 12 बजे रात में पानी चल रहा है, लोग दौड़ रहे हैं वहाँ से, यहाँ हम भी फोन पर हाई अलर्ट रहते थे सभी लोग। तो ये जो सेंट्रल और स्टेट्स दोनों ही इस मामले में यहाँ के जो भी है लोगों को बेगा भाई समझते हैं, जिला के हमारे सीतामढ़ी जिला की जनता को, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे आपदा मंत्री हो, समझते हैं डूबेगा, उनका वोट डूबना नहीं चाहिए। ATN Live।